बालमो विश्रामपुर के विधानसभा क्षेत्र के लिए विपर्वय कंदवान में से समीक्षा सभा का आयोजन किया गया है और जनसभा संबोधित करते हुए निदेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि आप लोगों के सामने बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं गत 4.5 वर्ष से वह समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। मैं कोई वार्ड सदस्य भी नहीं हूं, केवल एक साधारण आदमी हूं। उन्होंने बताया है कि पहले मैं पेशे से एक वह कंडक्टर हुआ था करता था। वही पर 4 वर्ष पूर्व मैंने कंडक्टर का भी पेशा छोड़ दिया हूं और आज मैं 5 वर्ष पूर्व से वही पर सतत बिहानी महाभगवती के सामने संकल्प लिया हूं कि एक संत के सामने ही वह अपने पास जो भी धन मैंने अर्जित किया है पक्का ईमानदारी से है और जिसमें से वह कोई भी बेईमानी नहीं है। और साथ ही कहा है कि मैंने जनता को कितना भी कमाऊ हूँ वह आप सब नहीं लेकिन भगवती के सामने साक्षी लेकर कहता हूँ कि मेरा बाल बच्चा या परिवार जो भी कमाए उसमें से वह 20-25% के लिए निकाल कर वही पर कल्याण के लिए खर्च करूँगा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन